और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि सिटी पार्क जयपुर को मिल रहा है, उसका शुभारंभ होना है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा और सीएस दोनों मौजूद, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, लोकार्पण करेंगे जयपुर का अब तक का सबसे बड़ा पार्क। और जिस बेहतरीन अंदाज में इसको बनाया गया है, वाकई में आने वाले दिनों में यह सिटी पार्क अपने आप में जयपुर की पहचान बनेगा। बाकायदा हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से डेवलप किया गया है, ना सिर्फ मॉन्यूमेंट के जरिए बल्कि इससे इतर भी अगर बात की जाए तो लाइटिंग, फ्लावर्स और मॉन्यूमेंट्स, इस पार्क में सब कुछ मिलेगा। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बस कुछ ही लम्हे और उसके बाद ये पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, वो पार्क जो जयपुर की शान होगा, सबसे बड़ा पार्क होगा और सबको आकर्षित करेगा। बिल्कुल विजेंद्र, जो सिटी पार्क के लोकार्पण का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो इस पार्क को समर्पित करेंगे जयपुर की जनता को, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जो मेहमान हैं उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देखेंगे जो प्रदेश के DGP ML लाठर वो यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव उषा शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं, जयपुर ग्रेटर की मेयर सील धवाई यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और भी तमाम जो मेहमान हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि ये जो पार्क है इसका उद्घाटन ठीक ऐसे समय पर हो रहा है विजेंद्र, जब दीपावली आने वाली है जी। तो ये कहा जा रहा है कि दीपावली का ये अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है जयपुर के लिए, क्योंकि मौजूदा समय जब लगातार ये ज़रूरत बढ़ती जा रही है कि लोगों को वॉक करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, ऐसे समय में जब शहर में कमी है जगह की कि आप वॉक करने कहाँ जाएं, आप जॉगिंग करने कहाँ जाएं, शहर के बीचों बीच मानसरोवर जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है वहाँ पर इतना शानदार भव्य और बड़ा पार्क हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है, तो ये किसी बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। और आज इसकी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। जैसा मैंने कहा कि जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं विजेंद्र के इस पार्क में खास क्या रहने वाला है। तो ये जो जगह है ये इस पार्क का एंट्रेंस प्लाजा है विजेंद्र, जो अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जगह है जहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे। जब इस कार्यक्रम स्थल पर वो आएंगे तो इस जगह से वो एंट्री लेंगे, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा वेलकम करेंगे, उनके साथ UDH मंत्री शांति धारी और धरीवाल भी होंगे, और यहाँ से वो एंटर होकर अंदर जाएंगे, और उसके बाद वो पैदल इस गोल्फ कार्ट में बैठकर जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर है पवन अरोड़ा उनके साथ और UDH मंत्री शांति धारीवाल के साथ वो पूरे पार्क का जायजा लेंगे कि पार्क में किस तरीके की खूबसूरती है। और अब ये हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी यश के, किस तरीके से जो इसका एंट्रेंस प्लाजा है, भव्य एंट्रेंस प्लाजा, उसका व्यू देखिए विजेंद्र। इस तस्वीर में आप देखिए कि कितना शानदार जो नज़ारा, ऐसा लग रहा है कि विदेशों की तर्ज पर इस पार्क को विकसित किया है। और अब इसका जो काउंटडाउन है जैसा मैंने कहा वो शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे। ये यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे विजेंद्र, यहाँ जिस जगह पर अभी तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ तक मुख्यमंत्री पैदल चलेंगे, वॉक करते हुए वो इस फाउंटेन को निहारेंगे, एंट्रेंस प्लाजा को निहारेंगे। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ उनके लिए एक गोल्फ कार्ट मौजूद रहेगी, और उस गोल्फ कार्ट में बैठकर वो जयपुर के ही नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े पार्क में, फिर दोहरा रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है जो अब लोगों के लिए तैयार है। दो फेजेज में विजेंद्र इसका निर्माण हुआ है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं, और तस्वीरें आप देखिए जहाँ तक हमारा कैमरा पहुँच रहा है विजेंद्र, आपको बहुत खूबसूरत और शानदार तस्वीरें इस पार्क की नज़र आएंगी। हमारी कोशिश भी यही है कि मुख्यमंत्री के आने से पहले दर्शकों को इस पार्क की एक झलक दिखा सकें। ये वो जगह है जो जिसको सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं विजेंद्र, यहाँ पर लोग जब पार्क में आएंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, इस तरीके से लोग बैठकर सेल्फी भी ले सकेंगे और दूसरे साथियों के साथ वो पिक्चर क्लिक कर सकेंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत स्कल्पचर, जो बिल्कुल जो राजस्थान की वेशभूषा है उससे उत्प्रोत ये पूरा स्कल्पचर नज़र आ रहा है। और कोशिश ये की है हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खास तौर पर कि जितने भी संस्कृति की झलक इसमें पार्क में दिखेगी
वो पूरी राजस्थान से ओतप्रोत हो, इसीलिए जो टॉप क्लास के स्कल्पचर के निर्माता हैं उनसे ये स्कल्पचर हैं वो तैयार कराए गए हैं। अब हम आपको थोड़ा सा पार्क के अंदर की तरफ बजिंदर लेके जा रहे हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री गोल्फ कार्ट में बैठेंगे। यहाँ तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल आएंगे, यहाँ तक वो पैदल आएंगे और ये वो जगह है बजिंदर जहाँ उनके लिए, यहाँ से वो नीचे जाएंगे, ये वो जगह है जहाँ उनके लिए गोल्फ कार्ट तैयार होगी। अभी तस्वीरों में हम आपको गोल्फ कार्ट भी दिखाएंगे जो यहाँ पर पहुँचने वाली है। यहाँ से वो गोल्फ कार्ट में बैठकर जो 3.5 किलोमीटर का इस ट्रैक है सिटी पार्क का, उस पूरे ट्रैक का वो जायजा लेंगे और इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे यूडीएच के मंत्री शांति धारीवाल और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा। पवन अरोड़ा उनको बताएंगे कि पार्क में किस जगह पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जो सिर्फ यहाँ वॉक और जॉग करने वाले लोगों को के लिए नहीं विजेंदर, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी बहुत खास रहने वाली है। ये देखिए, ये एक सूचना बोर्ड है जो सिटी पार्क में आपको नजर आ रहा है। पहले नंबर से हम देखेंगे तो बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर, लेक है यहाँ पर, इसके अलावा अपर लेक है, अराइवल गेट प्लाजा है, एग्जिट गेट लिखा हुआ है, जॉगिंग ट्रैक, ग्रैंड टेरेस, फूड कोर्ट, फूड कोर्ट, व्यू डेक, RHB ऑफिस, विंटर पिकनिक स्पॉट, फैसिलिटीज, यानी पार्क में क्या क्या आप देख सकते हैं ये पार्क में एंटर होते ही आपको पता चलेगा। ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं पार्क में जगह जगह, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं बजिंदर, वो इसका अवलोकन करेंगे गोल्फ कार्ट में बैठकर। और एक तस्वीर मैं यश को कहूंगा, यहाँ से हो सकता है थोड़ी स्पष्ट नहीं दिखे, लेकिन ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा है, 213 फीट इसकी ऊंचाई है विजेंदर, जो यहाँ पर कल हाउसिंग बोर्ड ने इसको लगाया है और आज जब उद्घाटन का समारोह होगा तब इसी राष्ट्रगान के नीचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी तमाम मेहमानों की मौजूदगी में राष्ट्रगान गाया जाएगा, आर्मी बैंड यहाँ पर मौजूद रहेगा। ये एक पेड़ की मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ विजेंदर, ये जो पेड़ है ये खास तौर पर हैदराबाद से आया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो पेड़ हैं इनके लिए हैदराबाद और तेलंगाना का जो इलाका है वो बहुत फेमस है, और जब इस पार्क को विकसित किया जा रहा था उस समय हाउसिंग बोर्ड की एक टीम, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने हैदराबाद भेजी थी, एक टीम पुणे भेजी थी और एक टीम विशाखापट्टनम गई थी, वहाँ से पेड़ों का चयन करने के बाद कोलकाता भी एक टीम गई थी, वहाँ से चयन करने के बाद बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो इससे पहले जयपुर के किसी पार्क में नहीं देखे गए हैं, बहुत खूबसूरत पेड़ है बजिंदर। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको आकर्षित करेंगे। अब मैं आपको स्कल्पचर की एक और झलक दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये जो पार्क का पार्क में एंटर करते ही ये ग्रीन एरिया है उसमें कितने खूबसूरत स्कल्पचर लगाए गए हैं। इससे पहले जयपुर के किसी भी पार्क में, अगर मैं सेंट्रल पार्क का भी जिक्र करूँ, इतने खूबसूरत स्कल्पचर वहाँ पर नहीं है। और इसीलिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने ये कहा है पवन अरोड़ा ने कि ये जो पार्क है विजेंदर ये सिर्फ जॉग और वॉक करने वाले लोगों के लिए नहीं है, जो लोग जयपुर में घूमने आते हैं चाहे वो प्रदेश के पर्यटक हैं, देश के पर्यटक हैं, विदेश के पर्यटक हैं, उनकी यात्रा बिना सिटी पार्क में आए पूरी नहीं हो सकेगी। आपको श्रीनगर याद होगा विजेंदर, जब लोग श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह गार्डनों को देखने जाते हैं लोग, मुगल गार्डन, चश्मे शाही, बोटनिकल, वैसा ही सिटी पार्क हाउसिंग बोर्ड ने विकसित किया है। यानी जयपुर में अगर कोई पर्यटक आ रहा है तो उनको सिटी पार्क आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी शानदार वाटर बॉडी यहाँ पर बनाई गई हैं, फ्लावर एरिया लगाए गए हैं, स्कल्पचर लगाए गए हैं, 213 फीट ऊँचा तिरंगा यहाँ पर है, फूड कोर्ट यहाँ पर है, हर वो सुविधा है जो एक अच्छे और वर्ल्ड क्लास पार्क में होनी चाहिए, इसीलिए इसको अब तक का सबसे बड़ा भव्य और सुंदर पार्क कहा जा रहा है। अब कुछ और तस्वीर हम आपको विजेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक वृहद दृश्य है, आप देखिए ये जो पूरा ट्रैक है इसमें गोल्फ कार्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवार होंगे और पूरे इस पार्क का वो जायजा लेंगे। ये जो पार्क है विजेंद्र, इसकी जो यात्रा है वो यात्रा बहुत मुश्किल रही है। सबसे पहले मन तो कर रहा है कि काश मैं भी वहां होता और वहां से एंकरिंग कर रहा होता और आपसे बातचीत कर रहा होता, क्योंकि वाकई में मनमोहक दृश्य है। एक तस्वीर अभी दिखा रहे थे पवन, जिसमें हाथों के बीच में पेड़ को संजोया गया है, सिर्फ ये वहां पर बनाने के लिए नहीं है बल्कि संदेश दिया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत स्कल्पचर है और ख़ास तौर पर इसको इसी मैसेज के साथ लगाया गया है कि आने वाले समय में हमें प्रकृति का, पर्यावरण का, पेड़ों का संरक्षण करना कितना जरूरी है, और इसी मैसेज से ओतप्रोत ये स्कल्पचर है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोनों हाथों के बीच में ये नीम का एक पेड़ है विजेंदर, जो बहुत खूबसूरत स्कल्पचर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इससे पहले जो आपको बात बता रहा था विजेंदर, वो ये है कि आमतौर पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट
सरकार लाती है या सरकार बनवाती है तो हम देखते हैं कि उनको पूरा करने में सालों लग जाते हैं, 5 साल 6 साल इससे ज़्यादा समय। लेकिन इस पार्क की खूबसूरती ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस पार्क का शिलान्यास किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करें और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करें, तो ये भी एक संयोग है। और इस पार्क को बनाने की जो यात्रा है विजेंद्र, वो भी बहुत लंबी है, क्योंकि जिस समय इस प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड ने हाथ में लिया था, इस पूरी जगह पर अगर आप कभी मानसरोवर के इलाके में आए हो विजेंद्र, बिल्कुल तो गंदगी का अंबार लगा हुआ था। और उस समय ये बिल्कुल नहीं लगता था कि जिस तरीके का हाउसिंग बोर्ड दावा कर रहा है उस तरह का पार्क वास्तव में यहाँ विकसित होगा। लेकिन एक लंबी यात्रा थी, कठिन यात्रा थी, क्योंकि कोविड भी ऐसे समय पे आया जब इस पार्क का काम चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए हाउसिंग बोर्ड ने इस पार्क को डेवलप किया और ऐसा डेवलप किया कि ये पार्क आने वाले दिनों में विजेंद्र जयपुर की नई पहचान बनेगा। उद्घाटन से पहले ही इस पार्क की लोकप्रियता बहुत हो चुकी है, क्योंकि हमने जब एक दो स्टोरी की तो खुद मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने पूछा कि सिटी पार्क किस इलाके में है, कब इसमें वॉक के लिए जा सकते हैं, क्या ये शुरू हो गया। तो जाहिर तौर पर एक इतने विश्व स्तरीय पार्क की कल्पना जयपुर के लोगों ने नहीं की थी कि उनको सौगात मिलेगी, और वो भी मानसरोवर जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है, अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है मानसरोवर का। बिल्कुल, और यहां के लोगों एक दो सवाल और आपसे, क्योंकि बस ऐसे ही जहन में है तो सोचा कि आपसे पूछे जाए। पहला तो ये कि इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी क्या होगी, दूसरा है क्या इसके लिए कोई टिकट होगी जो आम आदमी जाना चाहता होगा, तीसरा है कि जो इसके अंदर मूर्तियां लगी हैं वो अष्टधातु हैं पंचधातु हैं। देखिए विजेंद्र, पहला सवाल है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है और हमने हाउसिंग बोर्ड के और भी प्रोजेक्ट देखे हैं। जब मानसरोवर में चौपाटी चल रही है, प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड की चौपाटी चल रही है, जब उन प्रोजेक्टों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया तब भी ये सवाल उठे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उद्घाटन के बाद इनकी खूबसूरती इतनी नहीं हो, यहाँ पर गंदगी हो जाए। लेकिन वहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। अगर आप अभी भी मानसरोवर या प्रताप नगर की चौपाटी जाएंगे तो बिल्कुल होटलों की तरह वहाँ पर साफ सफाई मिलेगी और उसी अव्वल दर्जे का मेंटेनेंस सिटी पार्क में होगा, जिसकी पूर्व तैयारी हाउसिंग बोर्ड ने, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कर ली है। दूसरा, टिकट का अभी तक इस पार्क में कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है। हो सकता है कि पार्क का दूसरा फेज जब शुरू हो, जिसमें फाउंटेन स्क्वायर बनेगा जो कि पार्क के पीछे की तरफ, पार्क के मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके सामने की तरफ है, उस समय विजेंद्र हो सकता है कि कोई टिकट का कॉन्सेप्ट हो। लेकिन अभी मौजूदा जो पहला फेज है जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिलान्यास कर रहे हैं, उसमें कम से कम टिकट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके पीछे मंशा भी यही है कि ये शहर का पार्क है, शहर के लोगों के लिए पार्क है, बस उनकी जिम्मेदारी है कि इसको साफ बनाए रखें, इसको स्वच्छ बनाए रखें। और इस पार्क में जब वो वॉक करने आए तो ये माने कि सरकार ने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उनके और उनके परिवारजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पार्क विकसित किया है जो आने वाले कई सालों तक मानसरोवर ही नहीं विजेंद्र, मानसरोवर के आसपास भी बहुत सारे इलाके हैं, दुर्गापुरा मानसरोवर से सटा हुआ इलाका है। बिल्कुल शिवेंद्र, आप बने रहिए, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि जयपुर को एक ऐसा दीपावली गिफ्ट मिलने वाला है जो सदियों से इंतजार में था और अब वो इंतजार पूरा हो रहा है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क जयपुर को मिलने वाला है।